मीठा गुगरा सभी को बहुत पसंद है, तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल स्वीट मीठा मावा का गुगरा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। Hi and welcome to Bingo Food Book. Please do subscribe to my channel and press the bell icon for all the notification. तो सबसे पहले हमें लेना है 150 ग्राम खोया about 3/4 कप और बस इसे 2 मिनट जितना अच्छे से गर्म होने तक सेक लेना है। इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का जो पक्का और बिना शक्कर का खोया आता है वो लिया है, और अगर आप वाइट कलर का मावा लेते हो तो उसे लो फ्लेम पे अच्छा गोल्डन होने तक सेक ले। मावा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी सेम पैन में अबाउट आधा टीस्पून जितना घी लेंगे और लो फ्लेम पे सूजी को अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप सूजी लिया है, इसे बस अच्छे से अरोमेटिक होने तक सेक लेना है। सूजी रेडी है तो इसे सेम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी सेम पैन में आधा टीस्पून घी लेंगे और लो फ्लेम पे 1/8 कप काजू और 1/8 कप बादाम को भी लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, और अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसे 10 मिनट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर ले और तब तक गुगरे के लिए आटा रेडी कर लेंगे। सो सबसे पहले लेंगे 1 कप छाना हुआ मैदा, 2 टेबलस्पून घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका आटा ऐसे अच्छे से शेप होल्ड कर सकता है तो मतलब आटे में मौन एकदम सही है। अब धीरे धीरे पानी लेकर आटा तैयार कर लेंगे। आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमें मीडियम हार्ड आटा रेडी करना है। आटा रेडी है और यहाँ पे मैंने पूरा 1/4 कप पानी यूज़ किया है। अब आटे को गीले कपड़े से ढक कर 10 मिनट रेस्ट करने रख देंगे और तब तक हम स्टफिंग चेक कर लेंगे। स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश, आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और आधा कप से थोड़ा कम पीसा हुआ शक्कर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बात का खास ध्यान रखना है, मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही आप शुगर ऐड करेंगे, नहीं तो शुगर मेल्ट होगी और हमारा स्टफिंग सॉगी हो जाएगा। हमारा स्टफिंग रेडी है तो अब डो बॉल्स बना लेंगे। आटे को थोड़ा मसल कर रोल बना लेंगे और इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब सारे डो बॉल्स को एक बोल में लेकर गीले कपड़े से ढक कर रखना है और एक एक लेकर गुगरा बनाते जाना है। तो पहले ऐसे छोटी पूरी बेल लेंगे। यहाँ पे पूरी की थिकनेस मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब हम स्टफिंग को ऐसे बीच में प्लेस करेंगे। अब पूरी की साइड्स पे एकदम थोड़ा पानी लगाकर दोनों साइड्स को अच्छे से सील कर लेंगे। साइड्स अच्छे से सील हो जाने के बाद इसे ऐसे प्रेस करना है ताकि गुगरे में कोई खाली जगह ना रह जाए। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करके फोल्ड कर देना है। बस थोड़ा स्ट्रेच करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो बहुत सिंपल है डिज़ाइन बनाना। अब इसे भी हम ढककर ही रखेंगे।
ये डिज़ाइन टफ लगे तो और एक सिंपल डिज़ाइन देख लेते हैं। तो पहले पानी लगाकर साइड्स को सील कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देन कोई भी ऐसे फोक की मदद से ऐसे सिंपल डिजाइन बना लेंगे। अब हम बाकी घुघरा भी रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम हीट पे तेल गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें घुघरा डाल देंगे। आपको चाहिए तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और घुघरा फ्राई करते समय फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे घुघरा जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन क्रिस्प नहीं होगा। लो फ्लेम पे घुघरा बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। 5 से 6 मिनट हो चुकी है, इसे थोड़ा लाइट गोल्डन ही निकालना है, तो अब फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारे क्रिस्प और टेस्टी घुघरा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आप भी इतनी ही आसानी से इसे बना लेंगे। टिल देन हैप्पी कुकिंग।